हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज नंबर 7.1। इन चैप्टर का नेम है हमारा एवरेज। और इसके फर्स्ट वीडियो के पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर जे तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर आई बिल्कुल सेम है, अपने आप ही करना है। क्वेश्चन नंबर एच बहुत ईजी है, सबको ऐड करना है, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्कोर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर के से। क्वेश्चन नंबर के है हमारा, द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज़ 80। सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज जो स्कोर है वो कितना है, 80। डेट ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 60। सेक्शन बी है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 60। वट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन। तो दोनों सेक्शन का जो एवरेज हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर के कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 80। एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 60। अब हमें इन दोनों का ही एवरेज निकालना है, दोनों सेक्शन का एवरेज निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को ऐड करना पड़ेगा और बाकी से डिवाइड करना पड़ेगा जितने भी नंबर्स हैं हमारे। तो सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द मार्क्स, पहले हम देख लेंगे इनका सम कितना है, 80 एंड 60, ऐड करेंगे 140। 1 एंड 1 2, टू सेक्शंस थे, टू ही नंबर्स को हमने ऐड किया है, इसलिए हमें 140 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमारा एवरेज मार्क्स निकल के आ जाएंगे। 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का अगर हम एवरेज मार्क्स लेके चले तो कितना आएगा, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एल। क्वेश्चन नंबर एल है हमारा, एवरेज सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स इज़ ₹4,200। 6 वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज सैलरी 4,200 है। इफ़ मैनेजर सैलरी एंड सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स इज़ ₹37,700। मैनेजर की सैलरी और वर्कर्स की सैलरी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल सैलरी कितनी हो जाती है, 37,700। फाइंड द सैलरी ऑफ मैनेजर, हमें मैनेजर की सैलरी बतानी है। एवरेज सैलरी ऑफ 6 वर्कर्स, 6 वर्कर्स की जो एवरेज सैलरी है वो कितनी, 42,400। और हमें पहले 6 वर्कर्स की टोटल सैलरी निकाल लेंगे। टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं, एवरेज सैलरी का मतलब ये है कि एक वर्कर की सैलरी लगभग लगभग इतने रुपीज़ है, इसके आसपास है, ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन एवरेज का मतलब ये है कि एक वर्कर की जो सैलरी है वो 4,200 है। तो 6 वर्कर्स की कितनी हो गई, 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ीज़ है, एक बच्चे के पास 2 टॉफ़ीज़ है तो 10 बच्चों के पास कितनी टॉफ़ीज़ होगी, तो 10, एक के पास 2 टॉफ़ीज़ है तो 10 के पास 20 टॉफ़ीज़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ये 20 कैसे आ रही है, 10 और 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 20। जब हमें एक की वैल्यू दे रखी हो, एक से ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें सैलरी, एवरेज सैलरी दे रखी है, मतलब एक वर्कर की जो सैलरी हमें इतनी दे रखी है और 6 की निकाल लें तो 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4,200 में, तो हमारी क्या आ जाएगी, 6 वर्कर्स की सैलरी आ जाएगी। जब हमने 6 की मल्टीप्लाई करी 4,200 में तो हमारा आंसर है 25,200। मतलब 6 वर्कर्स की जो टोटल सैलरी है सबको मिला के वो सैलरी कितनी है, 25,200। मैनेजर सैलरी प्लस वर्कर्स सैलरी, मैनेजर और वर्कर्स दोनों को मिला के उसने हमें सैलरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 37,700। अब ये वाली जो सैलरी है ये मैनेजर और वर्कर दोनों की मिला के है और ये वाली जो है खाली वर्कर्स की है। मैनेजर और वर्कर्स में अगर हम वर्कर्स को हटा दें तो किसकी सैलरी बच जाएगी, सिर्फ मैनेजर्स की, और यही हमें निकालनी है। तो इस टोटल सैलरी में से मैनेजर वर्कर्स वाली सैलरी को हम हटा लेंगे, वर्कर्स वाली सैलरी कितनी थी, 25,200। तो टोटल सैलरी में से 37,700 में से वर्कर्स वाली जो सैलरी है 25,200 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और मैनेजर की सैलरी हमारी निकल के आ जाएगी। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में से 0 का 0, 0 में से 0 का 0, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1। तो मैनेजर की सैलरी कितनी है, 12,500। क्वेश्चन नंबर एल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा एल के बाद एम। एम भी सेम क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप ही सॉल्व करना है। 9 वर्कर्स की सैलरी दे रखी है, एवरेज सैलरी दे रखी है, एवरेज सैलरी ऑफ 9 वर्कर्स दे रखे, 9 वर्कर्स और मैनेजर की सैलरी ये रखी,
और 9 वर्कर्स की सैलरी अलग से इधर रखी है एवरेज सैलरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एल की तरह ही, आपको अपने आप ही सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एन। क्वेश्चन नंबर एन क्या है, द एवरेज हाइट ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 153.5 सेंटीमीटर। 35 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो कितनी, 153.5। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एवरेज हाइट, एवरेज हाइट दे रखी 35 स्टूडेंट्स की, तो 153.5 सेंटीमीटर दे रखी है। टोटल हाइट हमसे पूछ रहे हैं, 35 स्टूडेंट है तो 35 में ही हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल निकालने के लिए। इसका मतलब क्या है कि एवरेज हाइट का मतलब है कि एक बच्चे की जो हाइट है वो 153.5 है, हमें एवरेज हाइट से तुरंत यही लैड करना है कि एक बच्चे की हाइट 153.5 है और 35 की निकालनी है, तो 35 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 153.5 में। अब डेसिमल वाली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी। 5 5 25 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15 15 17 17 का 7 कैरी 1, 5 5 25 and 1 26 26 का 6 कैरी 2, 5 1 5 5 2 7। नेक्स्ट 3 5 15 15 का 5 कैरी 1, 3 3 9 9 1 10 की 0 कैरी 1, 3 5 15 15 1 16 कैरी 1, 3 1 3 एंड कैरी का 1 ऐड करके 4, इन्हें ऐड कर लेंगे 5 7 5 12 का 2 कैरी 1, 1 6 7 7 6 13 13 का 3 कैरी 1, 1 4 5। अब 1 नंबर के आगे डेसिमल लग रहा है तो यहाँ पर हम 1 नंबर के आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो एवरेज हाइट कितनी हो गई 35 स्टूडेंट की, 5372.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर एन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर ओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ है हमारा, एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर इज 42 किलोग्राम। 12 स्टूडेंट और टीचर दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, सभी को इंक्लूड मतलब 12 तो स्टूडेंट हो गए और एक टीचर हो गया, तो 13 हो गए टोटल, नहीं हो गए तो 13 जनों का जो एवरेज वेट है वो 42 किलोग्राम है। हमें इसमें ये मतलब नहीं है कि टीचर है बच्चा है कुछ भी है, टोटल मिला के 13 जने हो गए, इन 13 का जो एवरेज है वो कितना है 42। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज 66 किलोग्राम, जो टीचर का वेट है वो 66 किलोग्राम है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। तो हमें एवरेज वेट निकालना है 12 स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर ओ, एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट एंड ए टीचर, 12 स्टूडेंट और टीचर सबका मिला के एवरेज वेट 42 किलोग्राम। टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल हमारे कितने जने हो गए 13 हो गए, क्योंकि 12 स्टूडेंट और एक टीचर, तो 13 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 42 की, 42 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 546 किलोग्राम। तो टोटल वेट हो गए टीचर का और स्टूडेंट का सबका इंक्लूड करके जो वेट है वो 546 किलोग्राम है। टीचर्स का वेट उसने दे रखा है, टीचर्स वेट 66 किलोग्राम। अब टीचर्स को हटा दो क्योंकि टीचर का तो हमसे पूछ नहीं रहा, सिर्फ स्टूडेंट का ही तो एवरेज वेट पूछ रहे हैं, तो टीचर के वेट को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल में से टीचर का वेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट वेट कितना बच जाएगा, 546 माइनस 66 टोटल है ये टीचर का है, सब्ट्रैक्ट कर लिया टीचर का हटा दिया तो 480 ये जो आया ये सिर्फ स्टूडेंट्स का ही वेट आया है, कितने स्टूडेंट्स का 12 स्टूडेंट का। अब 12 स्टूडेंट का टोटल वेट हमें पता है और एवरेज निकाल लें, तो ये तो हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हो गए बिल्कुल सिंपल, सम ऑफ एक तरीके से सम ऑफ द नंबर्स आ गए हमारा 480, तो सम ऑफ द नंबर्स 480 और कितने स्टूडेंट बचे हैं 12 है तो नीचे क्या आ गया 12। एवरेज निकालने के लिए तो करते सम ऑफ द नंबर्स ऊपर और टोटल नंबर नीचे, 480 को 12 से डिवाइड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 40 किलोग्राम। तो मतलब एवरेज वेट जो है 12 स्टूडेंट्स का वो कितना है 40, मतलब एक जने का अगर हम एवरेज देखें तो वो है 40। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर ओ तक हमने कंप्लीट कर लिए और क्वेश्चन नंबर आर ये बिल्कुल सेम है, ये आप अपने आप ही कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। नीरज ए मोटरसाइकिल राइडर गो 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, सेकंड आवर में 30 किलोमीटर जाता है, थर्ड आवर में 45 किलोमीटर जाता है, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, सबको ऐड कर लेंगे और 1, 2 and 3 से डिवाइड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।